बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम विद मिनिस्टर पीयूष गोयल, इंडिया G20 होम अभी एंड नियो। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। ऐसा मैं नहीं, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा, एग्जैक्टली यहीं पर। यह है भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 130 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। हमने भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कन्वेंशन सेंटर एक शंख के आकार में बना है। ये सेंटर बाहर से जितना ग्रैंड है उतना ही अंदर से डिटेल्ड है। चलिए अंदर का सफर करते हैं। मतलब पूरी बिल्डिंग की शेप। भारत मंडपम में एंटर करते ही हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये देखिए कितना सुंदर, ये पीएम ने खुद तय किया। लुक एट द डिजाइन, ये एक प्रकार से जो 5 एलिमेंट्स है ये सस्टेनेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं और इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत हर एक का रिस्पेक्ट करता है, भारत पांचों एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने विकास यात्रा को बना। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और साथ मिलकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पूरे ग्लास के अंदर एक ट्री ऑफ लाइफ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, तो नीचे से आप देखेंगे एक वृक्ष के रूप में निकल रहे हैं और पूरा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। मेरा गला बहुत खराब रहता था, आई वाज ऑलवेज स्ट्रेस, आवाजें नहीं निकलती थी और अभी हम रात को यहाँ हैं, रात तक तो एकदम आवाज चले जाती। करेक्ट करेक्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोविड के दिनों में मुझे कहा कि भाई योगा शुरू करो और प्राणायाम करना शुरू करो, तो योग से ही एक प्रकार से मेरा भी गला खुला एंड नाउ आई एम एबल टू रन थ्रू अ होल डे विदाउट एनी स्ट्रेस। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और हम एक लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, जिसका प्रतीक है ये इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उससे भी बड़ा है ये स्टेज। यहाँ 7,000 लोग बैठ सकते हैं। साथ में 4 एम्फीथिएटर्स भी हैं जहाँ कल्चरल शोज होंगे। अब ये आप देखेंगे इतना सुंदर एम्फीथिएटर ओपन है, तो अभी विंटर के दिनों में इमेजिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और 1500-1600 लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या दृश्य होगा, क्या माहौल बनेगा। और साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं, पूरा 123 एकड़ का प्रांगण है। मैं यूरोप घुमा हूँ, दुबई घुमा हूँ, सिंगापुर घुमा हूँ, थाईलैंड में हमने इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिजाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है, अब इसको फाइन ट्यून करेंगे जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े। Correct. वो आके सब देखे और उनको लगे दिस इज माय इंडिया, दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर। और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होगी। ये कारपेट वीवर हूँ तो मैं अपने कारपेट का डिजाइन अच्छा बनाऊंगा, काम अच्छा करूंगा। Did you know, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है? 2,700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है, इसकी रिकवरी 1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर हो जाए। मैं इससे कह रहा हूँ कि आज सुबह हमने कर्टन रेजर किया है
विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रहे हैं। अब हम दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती है अलग अलग जगह। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र, राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर्स, सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लेके आएंगे। पूरे दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, आइए आप यहाँ पे, हम कंपटीशन में स्पर्धा में खड़े होने के लिए तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। हमारी कंपनियों में क्षमता है कि कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाए और अपनी चीजें हम दिखाए, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते हैं। और बायर्स को इससे अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह पे उनको भारत की भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना चूज कर सकते हैं। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे, जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा, भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो लोगों की बातें सुननी होंगी, तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहां लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक विचारधारा के नहीं हर विचारधारा के लोग आए, एक ऐसा माहौल बने जहां हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहां हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहां लोग कंफर्टेबल बने और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का पार्लियामेंट था, और इसी अनुभव मंटपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बनाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का, और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया, पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत मंडपम में देखेंगे तो अपने पुरानी विरासत, हमारे हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ आप अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे इसका, तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी, और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के। I'm very proud to see India doing so well on the world stage. India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. This is a big deal. This is a real big deal. पूरे G20 के दौरान भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे DNA में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है, एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला के अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें, सभी बड़े प्रभावित हो गए। सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल पड़ा। भारत एक काफी यूनिक देश है, क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है, और हमारे ओर देखने का दुनिया का नजरिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था, उन्होंने भारत के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी, एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिस्ट की बात को समझे तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी, और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफी चीजें बदली, पर फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमजोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में गिना जाता, विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचानने लगा, विश्व भारत को एक नए नजरिए से देख, विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच है।
जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपको, आपका क्या विजन है, आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी, आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो अपॉर्चुनिटीज पर मैं खरा उतरा। हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 trillion पे जाएंगे, पर उसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 trillion की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047, यानी आज से 10 गुना बड़ी। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी, काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू बी विलिंग टू एस्पायर फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग टारगेट्स, वेरी डिफिकल्ट टारगेट्स। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। भारत के लिए ये एक थॉट प्रोसेस बदलना काफी आवश्यक है। हम सिर्फ 80% वाला गेम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे और फिर हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर हम मीडियोक्रिटी के शिकार होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में हो, चाहे वो सर्विसेज डिलीवरी में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज में हो, जैसे एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स। वेयरएज जो हमें करना चाहिए वो कंप्लीट ऑपोजिट है। हमें एम ही 120% के लिए करना होगा। एंड इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम शायद 85% अचीव कर पाए, किसी फील्ड में 95% अचीव कर पाए और किसी फील्ड में एक परफेक्ट सिस्टम बैठ जाए। जैसे हम आज पासपोर्ट सिस्टम में देखते हैं, जहाँ एक सीमलेस सिस्टम बैठ चुका है पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आपके घर तक पहुँचने का। भारत को ये एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हम उतना काम कर सकते हैं तो उतनी ही मेहनत करेंगे। उसे बदल के ये करना होगा कि हमें हर चीज में 120% देना है, उससे कम अगर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर ही हम देश को रैडिकली बदल पाएंगे। भारत के बने हुए वस्तु की अभी तक पहचान या कीमत नहीं रहती थी। कुछ जरा भी कोई सामान सस्ता बाहर से मिल जाए तो उसमें आकर्षित होकर ले आते थे। उनके ध्यान में ये नहीं आता था कि भारत में बनी हुई चीज लेने से हम भारत के लोगों को नौकरी भी दिलाते हैं, काम बढ़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ती है। ये चीज जापान और कोरिया में बहुत देखने को, उन्हें लोहा खरीदना है, स्टील खरीदनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुद की कंपनी को दे, और सरकार नहीं, सरकार तो कर ही सकती है, साधारण प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी कोशिश करता है कि पहले अपने देश में जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल। कितनी अच्छी बात है ना, उससे एक आत्मनिर्भर भी बनते हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की और बीइंग वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की। अगर हम सब भारत के 140 करोड़ ये बात समझें कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतना बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हम आजकल बहुत अपील करते हैं सबको, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे नियति बहन के आप भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि हम ये दिवाली, दसरा, नए वर्ष, ये सब जो भी दुर्गा पूजा त्यौहार आ रहे हैं इसमें भारत में बने हुए वस्तु को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि आप लोग जो संदेश लेके, जो मैसेज लेके, जो आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देश में उत्साह पैदा करते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। अरे थैंक यू सो मच। और ये जो आपका योगदान है ये एक प्रकार से देश का मनोबल बढ़ाता है, देश में और कॉन्फिडेंस लाता है। पिछले साल हम COP27 में इजिप्ट गए, इस साल वीवा टेक के लिए फ्रांस गए और हमने सोचा कि भारत में ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कहाँ होगा, कहाँ हम नए भारत की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज मुझे इस सवाल का ठोस जवाब मिला। जब भी मेरे कोई दोस्त फॉरेन से यहाँ आते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझसे पूछते हैं व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू, व्हाट हैज मॉडर्न इंडिया बिल्ट। नया भारत अच्छी पॉलिसीज, अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज का मेल होगा तभी बनेगा। नए भारत में विरासत भी होगी और विकास भी होगा।
आज भारत G20 के इवेंट्स जैसे ही कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर में होस्ट करने के लायक है। भारत हमारे कल्चर को एक मॉडर्न तरीके से दुनिया के सामने रखने के काबिल है। ये कहानी देश के लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अक्सर देश के प्रॉब्लम्स वायरल होते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। पैंडेमिक के समय जहां पूरी दुनिया में फुल स्टॉप लगा हुआ था, वहीं भारत ने फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उन्हें फिनिश भी किया। इसके बाद जब भी मैं दिल्ली आऊंगा, प्रगति मैदान से गुजरूंगा, तो ये भारत मंडप मुझे बदलते हुए भारत की याद दिलाएगा और ये रिमाइंड करेगा कि हम कैटल क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। भाई इससे पहले जो है ना, हमने भारत मंडपम की जो है ना वीडियोस तो देखी है, लेकिन आज जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल से जो है उसे अंदर से देख पाए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी भी वीडियो में इतनी ज़्यादा डिटेल से जो है वो देखी है और जो उसकी इंपॉर्टेंस है और फ्यूचर को लेकर जो पीयूष गोयल और इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की गई। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि भाई कितना जो है ना एक ब्रॉड विजन रखा हुआ है। मुझे इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉगर्स की वीडियो देखने का बड़ा मज़ा आता है सेम टॉपिक पर, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से उसको दर्शाता है, अपना कॉन्सेप्ट लेकर आता है, अपने आइडियाज लेकर आता है। अभी अगर हम लोग भारत मंडपम की बात करें तो नो डाउट हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आज वाकई में बहुत ही एक डिफरेंट अनुभव रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने जो, अगर उसके इंटीरियर की भी बात करें, हम लोगों ने योगा का जो एक पूरा section. एग्जैक्टली उसकी देखिए, जो ऑडिटोरियम से बने हुए वो देखे हैं, उसके बारे में देखा है, लेकिन जो वृक्ष बीच में बनाया गया है और जो उसका एक महत्व है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जैसे बताया गया कि शंख के मतलब शेप पर जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है। सो अंदर अगर हम देखें भी तो जो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर हम लोगों ने देखा भी था कि बड़े बड़े जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, अगर उनकी उसकी सीलिंग भी देखो तो वो भी तुम्हें इसी प्रकार की लगेगी। बिल्कुल, मुझे वैसे जो है ना एक जो आइडिया है जो क्या नाम है जहाँ से लिया गया है अनुभव मंडपम से, मुझे वो जो एक स्टोरी बताएगी मुझे वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगी कि देखें अगर उस टाइम जो है चीजों को किस तरह जो है हर बंदे की सलाह जो है हर बंदे से मशवरा जो है वो लिया डिस्कशन एक होती थी। तो उसी तरह जो है आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ना उसी थीम को जो है वो लेते हुए भाई एक नई चीज जो है बनाई गई जो कि वाकई वही वर्ल्ड क्लास है। आपको वहां पर जो है जितना भी अंदर आपको डिजाइनिंग नजर आती है, आपको जिस तरह का अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, तो वाकई देख ना इस तरह की चीजें आपका दिल जो है वो खुश होता है कि भाई हाँ आपका कंट्री जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ एक तरक्की की तरफ जो है वो जा रहा है। अभी जैसे बीच में जहाँ पर अभी खड़े हुए थे और उन्होंने वो एक हॉल में खड़े हुए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई भी वहाँ पे एको नहीं है। तो भाई जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना तो कोई शक नहीं आप बनाने वाले की जो आर्किटेक्चर होता है भाई उसको भी सलाम कहते हैं क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया है। वैसे बीच में जब पीयूष सर ने बोला ना कि लाइक जो यंग जनरेशन है वो एक्सपीरियंस करे और डिमांडिंग हो, सीरियसली मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी कि एक लीडर जो है वो अपनी जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में क्या सोचता है कि उसको किस तरह का होना चाहिए। लाइक मुझे लगता है कि वाकई में लोगों को डिमांडिंग होना चाहिए कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास चीज़ें चाहिए अपनी कंट्री में। क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस चीज़ को देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर लीडर्स का स्वभाव क्या रहता है, और अगर मैं मतलब इंडिया के लीडर्स की बात करूँ कि उनका स्वभाव क्या रहता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र आता है। प्लस जो एक हम कहेंगे कि एक कोर इंटरेस्ट है वो भी आपको नज़र आता है कि एक वर्ल्ड लेवल पर ऐसा एग्जीबिशन सेंटर बना दिया जाएगा कि जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जो है वो आकर अपनी अपनी चीज़ों को का प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक आपका रोड मैप है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको आने वाले टाइम में मतलब वो चीज़ जो है वो साफ नज़र आनी चाहिए कि भाई आज अगर हम ये बना रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये कहाँ पर चीज़ खड़ी होगी, आपके लोकल लोगों को उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग देखें दुबई में यही होता है ना कि ज़्यादातर जो बाहरी लोग हैं वो आते हैं, वो अपनी चीज़ों जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो एग्जीबिशंस वहाँ पर लगती हैं उनको उनको दिखाते हैं और पूरी दुनिया में मतलब एक मार्केट में उसकी एक चर्चा होती है वहाँ से। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में पता होना चाहिए। भाई देखिए वोकल फॉर जो लोकल है ना भाई वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कैंपेन थी इंडिया की, क्योंकि देखें आप अपनी जो मुल्क की अपनी भी बनी हुई चीज़ें जब वो खरीदते हैं और वो जो उससे आप देखें कितने लोगों का रोजगार जनरेट होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदें इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा जो बेचने वाला है उसके अलावा रोजगार है,
उसके पीछे एक बहुत लंबी चेन होती है जो जो पूरा जो है ना वो एक सिस्टम लेकर जो है वो चले रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है उससे कमा रहे होते हैं, अपना अपना घर जो है वो चला रहे होते हैं। अभी जो है क्या नाम लेते हैं, मैं कहूँगा कि भाई ये जो है ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग हर कंट्री की होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अपना माल बनाएंगे एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके कंट्री को फायदा होगा। बट मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट लोगों का। अगर जैसे बीच में उन्होंने कोरिया और जापान की एग्जांपल दी कि वहां के लोग अगर गवर्नमेंट लेवल, तो बाद की बात है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रेफर तो करेगी अपने लोगों को, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो भी सबसे पहले अपने लोगों को प्रेफर करती है कि जो चीजें उनसे खरीदे। मैं पाकिस्तान में लोगों का जो एक माइंडसेट है ना, अगर मतलब कुछ 20-30 साल पहले चले जाऊं पीछे, तो मुझे लगता है कि हाँ तब था कि जो लोकल चीजें हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वो लोगों पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाता था। ये जो लोकल प्रोडक्शन होती थी और लोकल चीजें सामने आती थी वो काफी अच्छी मानी जाती थी और लोग खरीदते भी थे। अब क्योंकि ऐसी फिर वो गेम चेंज हुई और सब कुछ चाइना पर आप जाकर डिपेंड कर गए, तो लोग एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारा माइंडसेट कैसा हो गया है कि हम लोग अब चीजें खरीदते भी हैं, हमें पता भी है कि ये पायदार नहीं होंगे, उसके बावजूद हम लोग खरीद रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसके साथ साथ लोगों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपनी चीजों को प्रेफर करें। लेकिन यार यहाँ पे जो है ना एक और चीज जो मैं नोट करता हूँ जो हमें पाकिस्तानी सोसाइटी में देखने को मिलती है कि भाई अगर लोग अपनी लोकल चीजों को प्रेफर भी करते हैं ना, तो उसमें इतना फ्रॉड और इतनी अब वो मैं कहूँगा बुरी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि यार पैसे अगर हम खर्च कर रहे हैं उतने में आपको लोकल मिल रही है, उतने में आपको बाहर की लोकल क्वालिटी में, लोकल क्वालिटी जो है बहुत सारी चीजों में आपको अच्छी मिलती ही नहीं है। अभी खासकर मैं एक बहुत छोटी एग्जांपल है कॉफी की अगर बात करें, ठीक है ना, पाकिस्तान में जो कॉफी ब्रांड्स हैं अगर आप वो देखें वो पत्ती बराबर एक है, ठीक है ना। ऑन दी अदर साइड आप नेस्कैफे या दूसरी की तरफ जाते हैं वो आपको फिर भी कॉफी वाला टेस्ट देते हैं। तो भाई अगर आप पैसे भी बराबर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर पैसे बराबर ले रहे हैं तो कम से कम क्वालिटी तो अच्छी दें। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है लोकल में भी कि भाई आप क्वालिटी जो है वो चीजों की कम से कम इस तरह तो दें कि वो एक सीजन या दो सीजन तो निकाले। एक्चुअली इसमें मैं थोड़ी इसलिए भी कंफ्यूज है, एक तो मुझे लगता है कॉफी हमारे रीजन में होती नहीं है, है ना, पाकिस्तान में नहीं है, नहीं होती। दूसरा ये मुझे ना थोड़ा सा इसलिए भी इसमें वो एक कहूंगी कि डिसएग्री तो नहीं करना चाहती, बट मैंने ये चीज देखी है कि अभी जैसे हमने बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बात की, मैंने देखा जो लोग हैं उनका टेस्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग आप काफी कह सकते हो कि वो लोग खरीदते हैं, मतलब लोकल लोगों की मैं बात कर रही हूँ। सो आई डोंट नो, क्योंकि आपका टेस्ट एक मेंटेन हो चुका होता है तो स्विच करना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज से अग्री जरूर करूंगी कि हमें क्वालिटी लो लगती है वाकई में लोकल चीजों की। अगर मैं चॉकलेट्स की भी बात करूं, मतलब जो बच्चों के लिए चीजें होती हैं स्पेशली, उसमें इतनी लो क्वालिटी जो है वो मतलब अपनाई जाती है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम है चीजों में। वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप एक 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क खरीदते हैं ना और एक 20 रुपए वाली लोकल चॉकलेट खरीद रहे हैं, दोनों में डिफरेंस, दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। हालांकि जो 20 रुपए वाली आप लोकल खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात कहूंगी कि जो आप यहाँ पर मतलब डेयरी मिल्क खरीदते हो, अब अगर वो किसी और कंट्री की आप खरीदोगे ना तो उसमें भी आपको डिफरेंस नजर आता है। मैं भाई बात ये कह रहा हूँ कि देखें आपके मुल्क में दो ब्रांड है, एक इंटरनेशनल है बेशक वो लोकल मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं और एक लोकल है जो पाकिस्तान में बना रहा है। तो जो पाकिस्तान में बना रहे भाई उनकी जो क्वालिटी उससे तो बेहतर होनी चाहिए ना। तो ये चीज जब आएगी ना तो लोग ऑटोमेटिकली जो है ना बेशक दुनिया के किसी भी कंट्री के हों वो ऑटोमेटिकली भाई अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे उसकी तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। बस बात यह है कि भाई अगर आप पैसा ज्यादा ले रहे हैं तो आप कम से कम क्वालिटी भी अच्छी दें। वैसे अब आकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड शायद अब वापस आ जाने वाले टाइम में, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जब मार्केट विजिट की थी तो उसमें भी लोग जो है मतलब कि इवन के जो शॉपकीपर है वो खुद ये बात बोल रहे थे कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं, लोगों को जो है वो चाहिए कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदें। बट मैं ये बात जरूर बोलूंगी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में एक चीज की कमी होती है जो कि चाइना की जो चीजें हैं उनमें हालांकि लो क्वालिटी की होती हैं लेकिन वो उसकी शक्ल निकाल दे। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ये खूबसूरती का क्यों एक वो टच नहीं देते कि बंदा देख करके हाँ भाई मुझे ये लेना है। तो मुझे लगता है थोड़ी क्रिएटिविटी भी ऐड करनी चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो उस चीज को अंडरस्टैंड करे और वो खरीदे। बाकी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से हम लोगों ने आज का वीडियो देखा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आपको एक लीडर की बातें सुनकर आइडिया होता है कि भाई जो कंट्री है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉलिसीज क्या है और आने वाला जो फ्यूचर है वो किस तरीके से प्लान किया जा रहा है। सो आप जरूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इसके साथ हमें ज्यादा बड़ी चैनल करें। गुड बाय।